अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्दी से मिल जाए। प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन के लिए हमें 3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। CTM, जिसके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, सी से क्लिनजर, टी से टोनर, एम से मॉइस्चराइजेशन, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स ट्राई फर्स्ट स्टेप क्लिनजर। क्लिनजिंग हमारी फेस के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। डेली रूटीन में हम बाहर भी जाते हैं, घर भी होते हैं, सूरज में बाहर निकलते हैं तो हमारे फेस पे टैन हो जाता है, डर्ट चली जाती है। जिनके फेस पे पोर्स होते हैं उनके पोर्स में डर्ट चली जाती है, ब्लैक हेड्स बन जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि फिर हम केयर नहीं करते। लेकिन क्लिनजिंग से हमारा फेस बहुत अच्छा हो जाता है, ग्लो आता है, इंस्टेंट ग्लो भी आता है। ये स्किन केयर रूटीन अगर आपकी शादी है तो आपने 1 मंथ से पहले इसको यूज़ करना शुरू कर देना है। जैसे ही आपकी शादी होगी तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो होगा। ये स्किन केयर रूटीन आपने रेगुलर यूज़ करनी है। अगर रोज़ नहीं बना सकते तो आप इसको एक किसी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, ताकि जैसे ही आप सुबह उठें तो आप इसको एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ क्लिनजर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने इसमें एलोवेरा जेल नहीं ऐड करनी। 1.5 टेबल स्पून आपने सबसे पहले मैदा लेना है। आपने ये पहले 3 स्टेप ऐड करके इसको अच्छे से आपने किसी बॉक्स में डाल के रख लेना है। एलोवेरा जेल और वाटर बाद में ऐड करना है। 1 वीक तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें कॉफ़ी ऐड करनी है। कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं जो आपके पास हो, आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करनी, फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं और कोई दूसरी जो आपके पास हो ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसको आपने स्टोर करके रख लेना है। आप सुबह सुबह इसको एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ क्लिनजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने रेगुलर यूज़ करना है। शादी में बिज़ी होने की वजह से आपने ये स्किन केयर रूटीन छोड़नी नहीं है, फिर आपके फेस पे ग्लो नहीं आएगा। आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसमें आपने थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, ताकि ये ईज़िली स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और फेस पे ईज़िली अप्लाई हो जाए। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से पेस्ट रेडी होगा। इसको आप जैसे ही आपके पास फ्री टाइम हो, आपकी शादी होती है, आप बिज़ी होते हैं, शॉपिंग में बाज़ार वगैरह जाना होता है तो टाइम नहीं होता, तो आपको जैसे टाइम मिले आपने इसको ट्राई कर लेना है। फ़ौरन अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। इसको अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करना है। 15 मिनट तक लगा रहने देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से स्क्रब करना है, इसको अच्छे से मसाज करना है 10 मिनट तक। इसके साथ आपके फेस पर आपको नज़र भी आएगा, इंस्टेंट ग्लो आएगा और इसके साथ आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद 2nd स्टेप है टोनर। टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। जिनके फेस पे पोर्स होते हैं वो टोनर ना यूज़ करेंगे तो पोर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। टोनर के लिए सबसे पहले 1/2 बोतल आपने कोई भी स्प्रे की जो बोतल है वो 1/2 लेनी है। उसमें 5 to 6 टेबल स्पून आपने एप्पल साइडर विनीगर लेना है, कोई भी हो आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। टोनर से हमारे जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, टोटली ख़त्म नहीं होते। टोटली आप जब लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ख़त्म होते हैं, वैसे नहीं होते, लेकिन इससे श्रिंक होते हैं और ज़्यादा नहीं बनते। इसको आपने जब भी यूज़ करना है इसको 1 वीक तक आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको रोज़ यूज़ करना है, इसको अच्छे से आपने हिला के बोतल को फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है। आंखें बंद करके आपने इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। इससे आपके जो पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड द 3rd स्टेप इज़ मॉइस्चराइजेशन, जिसके लिए ये हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो समझते हैं कि मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन के लिए नहीं ज़रूरी। ये गलत बात है। मॉइस्चराइज़र आपने यूज़ करना है और स्किन केयर रूटीन से इसको स्किप नहीं करना है, इसको यूज़ करना है। और ये ड्राई स्किन वाले, जिनकी ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, वो अर्ली मॉर्निंग भी लें और नाइट भी लें। इसके लिए 1/2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, कोई भी ब्रांड का आपके पास हो आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम होना, ज़रूरी नहीं है। मोस्टली लोग क्वेश्चन करते हैं कि मतलब सेम होना ज़रूरी नहीं है। और ये आपने रोज़ यूज़ करना है और ये आप 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपने 1/2 टेबल स्पून आलमंड ऑयल लेना है, और ये भी आपके पास जोन सा भी हो आप ले सकते हैं, सेम होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपने 1/2 टेबल स्पून इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है, और ये भी जो भी आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं। ये स्किन केयर रूटीन आपकी शादी वाले दिन आपके फेस पे इतना ग्लो लाएगी, इतना ज़्यादा ग्लो लाएगी कि आपको कोई भी बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपने ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी ब्राइडल
जिसको बोलते हैं उपटन या फेस पैक कुछ भी बोलते हैं वो मैं आपके लिए लाऊंगी। इसको आपने अच्छे से अपने फेस पे, हाथों पे, नेक पे अच्छे से अप्लाई करना है। इससे आपकी स्किन